आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। रमजान के मुकद्दस महीने में साबिक रियासती वजीर वरगुन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामाना ने आदिलाबाद की चांदा में वाक़ अखिलियती अखामती स्कूल बॉयज़ 2 में अखिलियती कायदीन म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, टाउन जनरल सेक्रेटरी अशरफ, बीआरएस पार्टी अखिलियती सेल सदर शेख सलीम पाशा, सैयद साजिदुद्दीन, डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी व दीगर के हमरा दौरा करते हुए तलबा के साथ इफ्तार किया और आला तालीम के हुसूल के लिए मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर प्रिंसिपल नरसिम्हाचारी व स्टाफ ने रुकन असम्बली जोगू रामाना का शानदार इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली जोगू रामाना ने कई अखिलियती कायदीन को खजूर खिलाया। मुनक़दा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में अखिलियतों के माशी हालत में तब्दीली लाने और बेहतर तालीम फराहम करने के लिए अखिलियती रहायशी स्कूल व कॉलेजेस कायम किए गए हैं। इस मौके पर कॉप्शन मेम्बर मोहम्मद एजाज के अलावा मोहम्मद अबूजर, अयूब खान, नुमाइंदा काउंसलर सलीमुद्दीन, मुजाहिद शाह के अलावा दीगर मुकामी अफराद मौजूद थे। यही मोहब्बत हम सब के दिलों में रहे, हम सब तेरे हुकुम का इंतजार कर रहे हैं पर अपनी रहमत बिछावर फरमा। हम सबको एक और नेक बना मौला, हम सब के मकासिद को कबूल फरमा। हमारे तेलंगाना के अंदर अमन अमान अता फरमा, पूरे मुल्क में अमन अता फरमा, बाकी कासबों को देश व नाबूद फरमा। जितने लोग तेलंगाना के लिए मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनतों को कबूल फरमा। इन सब के अल्लाह दराजगी को कबूल फरमा, इन सब के बैठने को कबूल फरमा। हिंदू मुस्लिम का पैगाम अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा। सर एंड वाइस इंस्पेक्टर चेयरमैन रमजानी सर, रमजान वही अल्लाह से दुआ मांग रहे, हम तो ऐसा रिक्शा चला रहे, मुझ दुकान में मुझ बेच रहूंगा, मगर हमारा जो बच्चा भी केसीआर साहब के सरकार में ऐसा अच्छा मौका मिला हमको, स्वास्थ्य हमारे बच्चे भी अच्छे होना, पढ़ लिख के नौकरी बोले तो सरकारी की नौकरी नहीं, प्राइवेट में भी कहो सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझो और दूसरा कहो प्राइवेट में सरकार से ज्यादा सैलरी देने का भी अभी केसीआर सरकार में चल रहे, आप लोगों को मालूम है। उस वास्ते आपका माँ बाप भी वही चाह रहे, उस वास्ते मैं भी आप लोगों से एक विनती क्यों बोल तो अभी 10th क्लास है, 9th क्लास, 8th क्लास, इंटरमीडिएट तो पास हुआ है। इंशाल्लाह मैं दुआ अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, क्यों बोले तो आप लोग भी अच्छे पढ़ के टिके आदिलाबाद के, जो आप लोगों को इतने दिन तकलीफ से पढ़ाए सो तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ साथ टीचरों को अच्छा नाम आना, माँ बाप का अच्छा नाम कमाना। मैं हमने खास करके मेन बच्चों में अब ये उम्र में 10th से लेके इंटरमीडिएट डिग्री तक अच्छा डिसिप्लिन से आप लोग जो आजाद भी अच्छा रख लेना, जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते बाद में तुम लोगों को और क्लासरूम में तो होने के बाद भी ये रेजिडेंशियल स्कूल के हिसाब से आपके पास तो टीचर हमेशा रहेंगे रह रहे, मगर आप लोग एक डिसिप्लिन, हम कुछ ना कुछ बनेंगे ऐसा केसीआर साहब का सरकार इतना अपने को जो सहूलत देने के बाद माँ बाप का यही काश है, क्यों बोले तो पहले नहीं था अभी है, उस वास्ते वो हिसाब से आप लोग अच्छा डिसिप्लिन से जो टीचर जो बोलते हैं वो सुनते हुए वो एक्सरसाइज करते हुए होमवर्क करने के बाद
आप कंपल्सरी अभी 10th क्लास के बच्चों को मैं पहले ही मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग 150 बच्चे हैं, सबको सब पूरा अच्छे फर्स्ट क्लास में रहे, मेरिट में आना होके और वैसे 9th क्लास अपने पूरा क्लास के बच्चों को मैं मेरा तरफ से अल्लाह से दुआ मांगते हुए आप लोगों का लाइफ अच्छा होना, आप लोगों का अदलाबाद का नाम अच्छा रोशन होना और तुमको बड़ा सो टीचरों को और सरकार KCR साहब का सरकार को भी अच्छा नाम लेके आते उनके मैं उम्मीद करते हुए मैं तुम सब समझ।